बड़ी खबर रामपुर से, जहां अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से अब हटा दिया गया है, मतदाता सूची से अब उनका नाम काट दिया गया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के पत्र पर कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें कि आकाश सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। विधायकी रद्द होने के बाद बीजेपी विधायक ने यह पत्र लिखा था, जिसमें पत्र पर सुनवाई करते हुए नाम अब काटा गया है। बड़ी खबर रामपुर से, जहां अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने पत्र लिखा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई रामपुर में देखने को मिली है। विधायकी रद्द होने के बाद लगातार विधायक ने पत्र के जरिए ये मांग रखी थी, पत्र पर सुनवाई करते हुए नाम अब काट दिया गया है। अब्दुल्ला आजम का नाम अब मतदाता सूची में शामिल नहीं है, मतदाता सूची से अब उनका नाम काट दिया गया है। पत्र पर सुनवाई करते हुए उनका नाम अब उस सूची से हटा दिया गया है। आकाश सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था, पत्र में इसकी मांग की थी, पत्र पर सुनवाई करते हुए नाम अब काट दिया गया है। अब सूची में अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, मत देने का अधिकार उनसे अब छीन लिया गया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। फहीम, क्योंकि अब अब्दुल्ला आजम की मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है, क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम के लिए इस वक्त बहुत परेशानी का दौर है। और यहाँ आप देख सकती हैं कि जिस तरह से 2 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विदाई की गई, और विदाई की जाने के बाद शहर विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने निर्वाचक अभिकरण अधिकारी को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे वोट देने के अधिकार को छीन लेने के लिए आग्रह किया गया था। तो जिस तरह से 2 साल की सजा होने के बाद अधिकार नहीं रहता किसी भी शख्स को वोट देने का, उसी तरह से अब्दुल्ला आजम के लिए भी जिस तरह से पत्राचार हुआ और राजनीतिकरण हुआ इसका, तो बहुत तेजी के साथ ये जो निर्वाचक अधिकारी थे उन्होंने अब्दुल्ला आजम का 336 नंबर जो वोटर लिस्ट पे उनका नाम था उससे काट दिया, और उसके बाद उनके वोट देने के अधिकार को छीन लिया। तो जिस तरह से आजम खां के साथ हुआ था उनके साथ भी वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था विधायक की जाने के बाद, तो इसी तरह से इनके साथ भी यही हुआ। 2 साल की सजा, फहीम, क्योंकि लगातार इसके कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी विधायकी रद्द की जा सकती है, जिसके बाद विधायकी रद्द की गई और अब ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि बीजेपी विधायक ने सीधे तौर पर यह मांग कर ली थी कि मतदाता सूची से उनका नाम हटाया जाए, और अब मत का भी अधिकार उनसे छीन लिया गया है। लगातार आजम परिवार की जो शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आजम खां के परिवार पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, ये 2019 से इसकी शुरुआत हुई है और लगातार जितने मुकदमे, 300 के लगभग सारे मुकदमे पूरे परिवार के ऊपर हैं, 100 से कहीं ज्यादा मुकदमे आजम खां के ऊपर और 80 के लगभग अब्दुल्ला आजम के ऊपर मुकदमे हैं। तो ये पहला मुकदमा था छजलेट का, जिसमें 2 साल की सजा हुई और विधायक की रद्द हुई। उसके बाद में मांग की जाने लगी कि इनकी जो वोट देने का अधिकार है उसको भी छीन लिया जाए, तो वो वोट देने का अधिकार छीना गया। तो जिस तरह से आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों से वोट देने का अधिकार भी छीना गया और वो इस वक्त किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है आजम खां परिवार को, समाजवादी पार्टी को और खास तौर से अखिलेश यादव को जी, क्योंकि समाजवादी का गढ़ रहा है रामपुर, और आज जिस तरह से सरकार ने आजम खां और रामपुर को घेरा है, तो यहाँ समाजवादी को खत्म करती चली जा रही है भाजपा और उसके लोग। बहरहाल जिस तरह से आजम खां परिवार के ऊपर ये झटका लगा है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आजम खां की जो राजनीति है वो बहुत तेजी से नीचे आई है। जी फहीम, क्योंकि लगातार सपा की जो छवि है रामपुर में पहले प्रखर हुआ करती थी, लेकिन अब जब से शिकंजा कसा जा रहा है आजम परिवार पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की आप देख पा रहे हैं?
देखिए मैं आपको बता दूं कि लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है, लोगों को चाहिए परमानेंट विधायक और परमानेंट नेता। लोगों को वो नहीं चाहिए कि आज बने और कल दो साल बाद फिर उपचुनाव। तो रामपुर ने चार से लेके पांच उपचुनाव झेले हैं और पांचों उपचुनाव में यहाँ की जनता उब चुकी है, अब वोट देने भी नहीं जाना चाहती और वो चाहती है कि किसी भी तरह से हमें स्थायी और परमानेंट यहाँ विधायक मिले। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आजम खान और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि जनता अब परेशान हो चुकी है, आजीज आ चुकी है और वो वोट देने का भी अधिकार जो है वो अपना इस्तेमाल करना नहीं चाहती। जैसे कि पीछे उपचुनाव में हमें देखने को मिला कि वहाँ परसेंटेज ही 30 पहुंची, 30 से 34 तक बड़ी मुश्किल में पहुंची और बाकी आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे। लेकिन रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता था वो गढ़ अब छिनता दिखाई दे रहा है, जो किला था वो ढह गया, गिर गया और अब आजम खान कहीं ना कहीं जो है राजनीति के निचले स्तर तक पहुंच रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये उपचुनाव होना है स्वार में और सुनाओ स्वार के उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि जो प्रत्याशी भी वो उतारते हैं वो हार जाता है और बहुत बुरी तरह से हारता है। तो इस बार क्या वो अपने परिवार से किसी को उतारते हैं, अपने बड़े बेटे की बहू को उतारते हैं, क्योंकि ठीक है भाई नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।